अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके बिना हमारा खाना जो है वो अधूरा रह जाता है। मैं एक चटनी बना के आपको दिखाऊंगी आज, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट ही लगता है इसे बनाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में, इसमें मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं लिया है, इसमें 5 फ़ोरन ऐड किया है। 5 फ़ोरन मीन्स 5 मसाले जो है वो एक साथ मिक्स किया है मैंने। मेथी, सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा, इस प्रकार के मैंने 5 जो है वो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। करके थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया है, इसको हम एक पाउडर बना लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा तेल इस्तेमाल किया है। मस्टर्ड ऑयल के इस्तेमाल इसमें मत कीजिएगा, नहीं तो इसका स्वाद जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें हम इसमें आप रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों तेल बहुत ही कम मात्रा में मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और 3 सूखी लाल मिर्च, क्योंकि इसको हम थोड़ा तीखा, खट्टा, मीठा, ये 3 टेस्ट जो है इसमें ऐड रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये ऑलिव है, ऑलिव को हम बंगाली में जलपाई कहते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा कट करके हल्का सा बॉईल कर लिया है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। और जिस पानी में मैंने इस ऑलिव को बॉईल किया है उसी वो वाला पानी जो मैंने फेंका नहीं है वही मैंने इसमें एक बार में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा मत मिक्स कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक हम इसमें ऐड करके अब इसको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद जो है हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिएगा, पहले बार में ही बहुत सारा ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मीठा हो जाएगा, खट्टापन जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हमें इसमें थोड़ा सा, पहले हम थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने करीबन 5 चम्मच जो है यहाँ पर चीनी ऐड किया है। उसके बाद अगर मुझे लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा और मिठास की ज़रूरत है तो मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करूँगी। यहाँ पर जो ये ऑलिव है वो थोड़ा खट्टा ज़्यादा है, तो हमें इसमें थोड़ा सा और जो है वो शुगर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, मैं टेस्ट करने के बाद उसके बाद में ही इसमें ऐड करूँगी। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होने लगा है। आपको जब लगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है तो आप इस चम्मच के सहारे ना ऑलिव को थोड़ा थोड़ा करके मैश कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा कर आप मैश कर दोगे ना तो इसमें जो शुगर का जो सिरप है वो अच्छे से इसके अंदर जाएगा और इसमें एक मिठासपन जो है वो अच्छे से आएगा और खट्टा जो है वो भी कम हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से और बॉईल करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि ये गाढ़ा होने लगा है तभी हम क्या करेंगे, इसमें आम पापड़ जो है वो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आम पापड़ को अगर हम थोड़ा जल्दी ऐड करते हैं तो ये ना पूरा गल जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बाद में ही ऐड करेंगे। ये सिर्फ 5 मिनट ही लगता है बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल नहीं लगता है। अब हम आम पापड़ के बाद थोड़ा सा, जब हम इसको हमें लगे कि अब ये बस बनने ही वाला है, तब हम इसमें थोड़ा सा किशमिश, आपको अगर पसंद है तो आप ऐड कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आम पापड़ जो है वो थोड़ा ऐड कीजिएगा, इससे स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। अब आपको ये जब थोड़ा अच्छे से सब कुछ बॉयल होने लगे तब हम इस चम्मच के सहारे इसको थोड़ा थोड़ा करके ना मैश कर देंगे। और देखिए ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। अब हम इसी कंटेंसी, देखिए ये जो है थोड़ा सा हल्का सा पतला है, इसी में हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जितना ठंडा होता रहेगा ये उतना ही गाढ़ा होता रहेगा, इसलिए हम इसी, जब ये इतना ही जब पतला रहेगा तब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया से ये गाढ़ा हो जाए। और इसके बाद लास्ट में उतारने के पहले ही हमने जो एकदम फर्स्ट में जो एक पाउडर बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे ना एक अचार फ्लेवर जो है वो आएगा। अब इसको मिक्स करने के बाद हमने गैस को ऑफ कर लिया है। ये रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा,
बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यमी बनती है ये, खाने के बाद तो बहुत ही मज़ा आ जाता है इसे खाने में। तो चलिए आज की मेरी ये रेसिपी बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।